कई बार किसी घटना का सच कुछ ऐसा निकल कर आता है जिसके ऊपर विश्वास करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग उसको फेक बोलने लगते हैं जबकि वो बिल्कुल सच होता है। और आज की वीडियो पर भी बहुत से लोग ये कहने लगेंगे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ कभी होगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच था, ऐसा कुछ हुआ। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि वहाँ के बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों ने खुद अपनी आंखों से देखा। सब कुछ बताऊंगा आपको इस बहुत ही भयंकर हॉन्टेड घटना के बारे में। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही डर भरा एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। दिन था 24 फरवरी 1983 का और जगह थी अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में बना हुआ एक बहुत ही बड़ा सारा चर्च। और इसी चर्च के बराबर में एक कब्रिस्तान भी बसा हुआ था जिसके अंदर अभी अभी एक अंतिम संस्कार होने वाला था एक आदमी का जिसका नाम जेम्स करशाव था। असल में जेम्स करशाव वहां बहुत ज्यादा दारू पीने की वजह से उसका लीवर वगैरह खत्म हो चुका था, सब डैमेज हो चुके थे, उसकी किडनीज भी खत्म हो चुकी थी और सडनली ही उसके सारे ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। अब यहाँ क्योंकि परिवार बहुत ज्यादा सदमे में, उनके घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जा चुका था तो सारे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। खैर, अभी सारे कब्रिस्तान के अंदर इकट्ठा हुए, वहां अंतिम संस्कार की क्रिया जो थी वो स्टार्ट होने ही वाली थी। तभी यहां पर उसकी लाश को उठाकर वहां बने एक लास्ट प्रेयर हॉल के अंदर ले जाया गया जहां पर उसकी लाश को सामने रखा जाना था। और यहां सारे व्यक्ति खड़े होकर एक एक बंदा आगे जाता स्टेज के ऊपर, वहां माइक में दो शब्द बोलता मरे हुए व्यक्ति के लिए कि वो कैसा था और उसके संबंध उसके साथ कैसे थे। तो यहां उनके परिवार वाले बहुत ज्यादा उदास थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जेम्स उनको इस तरह से छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ सारे उठ उठकर आते मंच के ऊपर और सभी जेम्स के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा बोलकर जाते। लेकिन यहाँ इसी मीटिंग में एक कुर्सी के ऊपर 21 साल का डॉन डेकर नाम का एक लड़का भी बैठा हुआ था। और जब ये लड़का किसी का भी भाषण सुनता कि आखिर ये बंदा जेम्स के बारे में क्या बोल रहा है, तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता। ऑब्वियसली यहाँ जो भी मरने वाला होता है उसके जाने के बाद उसके बारे में सब अच्छा ही बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत जल्दी चला गया, ये सब कुछ बोलते हैं। लेकिन यहाँ ये डॉन डेकर जब भी इसके बारे में सुनता कुछ ऐसा तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता, उसको अंदर से जलन होने लगती, वो अपनी मुठ्ठियां कुछ इस तरीके से बंद कर लेता और उसका दिल कर रहा था अंदर से कि वो जाकर अभी इस व्यक्ति को मार डाले जो कि इसके बारे में ऐसा कुछ बोल रहा है। खैर, यहाँ डॉन डेकर की भी बारी आई, उसको भी कहा गया कि तुम भी खड़े हो और जाकर आगे मंच पर बोलो कि आखिर तुम्हारे इनके साथ संबंध कैसे थे, आखिर तुम इनके बारे में क्या कुछ अच्छा बोल सकते हो। डॉन भी यहाँ अपनी सीट से खड़ा हुआ और आगे जाकर माइक को पकड़कर वहाँ जस्ट देखने लग गया जेम्स की बॉडी को जो कि साइड में ही पड़ी हुई थी। अब यहाँ उसको देखते देखते ही डॉन डेकर की आंखों से पानी आने लग गया और सबने देखा कि आखिर ये डॉन डेकर रो रहा है। तो सबको लग रहा था कि नहीं, ये अपने दादाजी के जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। असल में यहाँ जेम्स करशाव कोई और नहीं बल्कि डॉन डेकर का रियल दादा ही था, रियल ग्रैंडफादर ही था। लेकिन जब यहाँ सभी ने डॉन डेकर को रोता हुआ देखा तो सभी ने उनको दूर से ही कहना शुरू कर दिया कि बस बस बस, ज़्यादा मत रो, कोई बात नहीं, होता है, आना जाना तो लगा रहता है। लेकिन यहाँ डॉन डेकर ने सबको रोका और कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि ये मर गया है, बल्कि मैं तो इस खुशी में रो रहा हूँ कि ये मर गया है, क्योंकि यहाँ ये बंदा कोई और नहीं बल्कि डेविल था, मेरे लिए तो खासकर था ही और किसी के लिए पता नहीं। अब आप सोच कर देखिए, एक व्यक्ति जो कि मर चुका है और उसके सारे यारे प्यारे यहाँ सामने बैठे हुए हैं और उनके सामने एक लड़का आकर ये कहता है कि ये मरने वाला बंदा डेविल था, तो सभी को कैसा फील होगा। ऑब्वियसली यहाँ सभी ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि ये डॉन डेकर तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो, तुमको पता भी है तुम किसके बारे में बोल रहे हो। तो यहाँ डॉन डेकर ने कहा, मुझे सब पता है, सब कुछ अच्छे से पता है और मैं इसको ये सब कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत लंबे टाइम से चाहता था कि ये मर जाए और फाइनली आज भगवान ने मेरी सुनी है। जब सभी ने इस बात का कारण पूछा डॉन डेकर से कि आखिर तुम ये सब क्यों चाहते हो, तो यहाँ पर डॉन डेकर ने बताया कि ये बात आज से नहीं बल्कि बहुत बहुत पुरानी है, तकरीबन यहाँ पर 15 साल पुरानी। जी हाँ, जब वो 6 साल का था तब से ही यहां उसका दादा यानी कि जेम्स करशाव डॉन डेकर का यौन शोषण करता हुआ आ रहा था और इसी यौन शोषण की वजह से डॉन डेकर का दिमाग कुछ और ही बन चुका था, उसकी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। यहाँ वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो चुका था, अजीब अजीब बातें करता, घर वाले भी उससे परेशान थे। लेकिन आज तक भी उसने कभी किसी को बताया नहीं था कि उसका दादा ही ऐसा कुछ उसके साथ करता है। अगर वो पहले कभी किसी को बता देता घर में तो ऑब्वियसली इस चीज़ का हल पहले ही किया जा सकता था, लेकिन यहाँ उसने किसी को नहीं बताया। हो सकता है या तो शर्म के मारे ना बताया हो या फिर डर के मारे ना बताया हो। वैसे यहाँ ये डॉन डेकर भी कम नहीं था, मैं उस मामले में नहीं कह रहा, मैं नॉर्मली जिंदगी में कह रहा हूँ, ये
असल में चोरी चकारी का उठाई गिरे काम कर रहा था। इसको कोई जॉब वगैरह तो मिल नहीं रही थी, कोई काम धंधा इसका खुद का था नहीं, तो जस्ट ये किसी की भी दुकान में घुस जाता, वहाँ से कुछ सामान उठा लिया, कभी किसी के घर में घुस गया वहाँ से कुछ सामान उठा लिया, और इसी वजह से इसका जेल में आना जाना लगा रहता था। और जिस दिन ये इस अंतिम संस्कार में आया था अपने दादाजी वाले में ही, ये जेल से असल में पैरोल पर आया था, इसको 5 दिनों की पैरोल दी गई थी सिर्फ इसलिए ताकि वो दादाजी के अपने अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। और जैसे ही ये पैरोल खत्म हो जानी थी इसको वापस जेल के अंदर जाना था, लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार खत्म हुआ अभी भी यहाँ डॉन डेकर की जमानत के यानी कि पैरोल के 4 दिन पड़े हुए थे, और वो चाह रहा था कि वो 4 दिन बजाय अपने घर पर जाकर वो अपने किसी दोस्तों के घर पर जाए ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। घर पर जाएगा तो वापस घर वाले उसे वही सवाल करेंगे कि आखिर तेरे साथ क्या किया था दादाजी ने, कैसे किया था, तुमने कभी किसी को बताया क्यों नहीं। तो वो इन चीज़ों से परेशान होकर उसने सोचा कि वो किसी दोस्त के घर पर जाकर रुकेगा और वहीं पर अपने 4 दिन बिताएगा। उसने जाकर सीधा अपने दोस्त बॉब और जीनी से बात करी। असल में यहाँ बॉब और जीनी एक अलग घर में रहा करते थे, ये बहुत अच्छे दोस्त थे यहाँ डॉन डेकर के। तो डॉन डेकर ने जाकर बॉब और जीनी को कहा कि यार आज मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ, मेरा घर पर जाने का मन नहीं है। तो यहाँ बॉब और जीनी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम हमारे घर आ जाओ, रात को आराम से पार्टी वार्टी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉब जीनी और डॉन डेकर तीनों निकल पड़े वहाँ उस कब्रिस्तान से, अपने दादाजी की लाश को दफना कर वहाँ से निकले, अपनी गाड़ी में बैठे और सीधा बॉब और जीनी के घर पर जा पहुँचे। शाम वैसे ही हो चुकी थी और शाम होते ही यहाँ अंदर वहाँ खाना वाना वो तीनों बनाने लगे एक दूसरे के लिए। और जैसे ही खाना वाना बनाकर ये लोग टेबल के ऊपर बैठे खाना खाने के लिए, तभी यहाँ पर दिक्कतें होनी शुरू हो गई। जी हाँ, बॉब और जीनी यहाँ बैठे हुए कुर्सी के ऊपर, उनके सामने डॉन डेकर बैठा हुआ है, वो खाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो खाना खा नहीं पा रहा। तभी यहाँ पर बॉब और जीनी ने उसे पूछ लिया कि आखिर डॉन डेकर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। अब जैसे ये चीज डॉन डेकर से पूछी इन दोनों ने, तभी यहाँ पर डॉन डेकर ने अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से टेबल के ऊपर रखा, जो खाना था वो साइड में उछल कर ऐसे वापस नीचे जा गिरा और ऐसे झटक कर रखा, और तभी उन दोनों को देखने लगा। और देखते देखते यहाँ बॉब और जीनी ने महसूस किया कि इस डॉन डेकर के चारों तरफ की जो हवा है वो बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी होती जा रही है। ये चीज़ होता देख उन्होंने देखा कि साइड में पहले ही आज बाहर ठंड पड़ रही है और ये डॉन डेकर के साइड में से हवा आखिर कहाँ से आ रही है। बॉब तुरंत अपनी सीट से उठा, घर में जाकर चारों तरफ देख के आया कि कहीं से कोई खिड़की वगैरह तो खुली नहीं रह गई जिस वजह से बाहर से ठंडी हवा आ रही हो और यहाँ जमा हो रही हो। लेकिन यहाँ बॉब ने सारी खिड़कियां दरवाजे चेक कर लिए, बट कोई भी खिड़की दरवाजा खुला हुआ नहीं था जहां से यह हवा आ सके। लेकिन जैसे ही बॉब यह सब कुछ चेक करके आया, तब उसने नोटिस किया कि डॉन जहां पर बैठा हुआ है वहां की कुर्सी उसके नीचे से गायब है, वो जस्ट हवा में बैठा हुआ है और अब हवा में बैठकर ही वो उन दोनों को सामने देख रहा था और उसने हाथ ऐसे रखे हुए थे। इसका सिस्टम आखिर हवा में कैसे टिका हुआ था। और जैसे ये बात अभी बॉब सोच रहा था, तभी उसने महसूस किया कि आखिर उसकी जो छत है उनके घर की, ग्राउंड फ्लोर पर वो रुके हुए थे, और जो उसकी छत है ग्राउंड फ्लोर की, उस ग्राउंड फ्लोर की छत से पानी टपकने लगा। अब ये चीज होता देख तुरंत बॉब ने माथा पकड़ लिया और कहा कि ये देखो अभी अभी मैं हवा के बारे में बात कर रहा था, अब ये पानी पता नहीं कहां से आने लगा है, पता नहीं कौन सा पाइप लीक हो गया है। अभी जहां पर ये पानी टपक टपक कर सिर्फ धीरे धीरे ही नीचे गिर रहा था, तभी यहां इस पानी ने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते यहां जिस लिविंग हॉल में डाइनिंग टेबल के ऊपर ये तीनों लोग बैठे हुए थे, उस डाइनिंग टेबल के चारों तरफ यहां पानी धीरे 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 छत से टपकने लगा। इस पानी की लीकेज से परेशान होकर दोनों बॉब और जीनी ने सोचा कि क्यों ना हम एक बार इस घर के मकान मालिक को फोन करते हैं, क्योंकि यहां पर वो किराए पर रह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि वो मकान मालिक को यहां बुला लेते हैं और दिखा देते हैं कि आखिर देखो तुम्हारे घर के अंदर तो यहां बसड़ मची हुई है पाइपों के अंदर, तो तुम इसको कल की कल रिपेयर करवा दो। यहां जीनी ने तुरंत अपने लैंडलाइन से इस घर के लैंडलॉर्ड रॉन वैन वाई को फ़ोन किया और रॉन वैन वाई ने कहा ठीक है तुम रुको, मैं वहीं आकर अभी देख लेता हूं कि आखिर घर में क्या दिक्कत आई हुई है। रॉन तुरंत अब घर के अंदर पहुंच चुका था, तभी यहां उसने अंदर जाकर देखा कि टेबल के ऊपर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है और वो है डॉन डेकर, और वो भी हवा में बैठा हुआ है, उसका सिस्टम हवा में लटक रहा था। ये चीज़ देखकर रॉन ने पहले ही एकदम से झटका खा गया। खैर यहां पर वो पानी की लीकेज देखने आया था, और जबकि उसने साइड में देखा कि बॉब और जीनी कैसे छुपके से कोने में खड़े हुए हैं क्योंकि वो पानी से अपने आप को बचा रहे थे, जबकि यहां डॉन कर खुद को पानी से बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। तब यहां रॉन ने देखा कि ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर वाली जो सीलिंग है, उस सीलिंग के चारों तरफ से इस टेबल वाले एरिया में ही पानी बरस रहा है, बहुत तेज से ये लीकेज हो रही थी। तब यहाँ रोन को देखकर बॉब और जीनी रोन के पास आए और कहा कि ये देखिए जनाब, आपके घर में तो दिक्कत मची हुई है, आप इसको प्लीज़ ठीक करवा दीजिए। तब यहाँ रोन ने देखा कि यार ये दिक्कत हुई कैसे है और हो ही कैसे सकती है, क्योंकि जिस एरिया से पानी टपक रहा था उस एरिया में उस घर का एक भी पानी वाला पाइप नहीं गया हुआ था। और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए रॉन वैन वाई अपने साथ अपने घर का ब्लूप्रिंट भी लेकर आया था। असल में
में, वहां अमेरिका में कोई भी घर बनता है तो उसका ब्लूप्रिंट पहले ही मकान मालिक को दे दिया जाता है कि आपके घर में यहाँ यहाँ पाइप है, यहाँ यहाँ तारे हैं, यहाँ यहाँ ये सब कुछ है, तो अगर आपको दीवारों में कोई ठोका पिटी करनी हो तो इन जगहों से बचा कर करें। आजकल तो यहाँ हमारे इंडिया में भी देने लग गए ब्लूप्रिंट वगैरह। खैर उस ब्लूप्रिंट में रॉन वैन वाय ने बॉब और जीनी को दिखाया कि देखो यार जिस जगह पर ये बारिश हो रही है उस जगह के ऊपर एक भी पाइप मौजूद ही नहीं है, सिर्फ तार ही तार गए हुए हैं और तारों के अंदर से पानी कैसे आ सकता है, ये जो बरस रहा है ये कुछ और ही हो सकता है, इसका रीजन कुछ और ही होगा। तो अब यहाँ बॉब और जीनी पूछने लगे कि हाँ जनाब बताओ फिर आपका ही घर है, आप ही बताओ हमें तो क्या हो सकता है। तब यहाँ रॉन वैन वाय देखने लगा कि आखिर पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन जब उसने देखा तो यकीन माने उसके होश उड़ गए। उसका मन कर रहा था कि वो अभी इस घर से भाग जाए, वो भाग भी जाता अगर उसका खुद का घर ना होता तो। जी हाँ, उसने नोटिस किया कि जो पानी नीचे गिर रहा है वो पानी अपने आप चलकर फ्लोर के सहारे चलकर चारों तरफ से वापस दीवारों से ऊपर भी चढ़ रहा है। ये चीज होता देख रॉन वैन वाय ने बॉब और जीनी को दिखाया कि आखिर ये देखो तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। डॉन डेकर को भी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन डॉन डेकर उस टाइम पर अपनी आंखों को बंद करके ऐसे टेबल के ऊपर हाथ रखकर जस्ट रोए जा रहा था। खैर यहाँ ये चीज देखकर बॉब और जीनी भी हैरान कि इन्होंने ये चीज पहले नोटिस क्यों नहीं करी और आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, ग्रेविटी यहाँ कहाँ चली गई, ये पानी अपने आप फ्लोर के सहारे चल चलकर दीवारों के सहारे वापिस ऊपर चढ़ रहा है और सीलिंग के ऊपर वापिस जाकर नीचे इस टेबल के ऊपर बरस रहा था, ऐसा कैसे हो सकता था। ये भयंकर सा सीन देखकर रॉन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि एक बार जल्दी आओ यहाँ पर अपने घर के अंदर और देखो यहाँ क्या चल रहा है। रॉन की पत्नी रोमेन तुरंत ही इस घर में पहुंची और उसने जाकर देखा कि आखिर यहाँ तो कुछ उल्टा ही सिस्टम चल रहा है, बारिश हो रही है लेकिन पानी नीचे से ऊपर उठ रहा है। इससे परेशान होकर सभी ने फैसला लिया कि क्यों ना हम एक बार पुलिस को बुला ले और दिखा दे कि आखिर क्या दिक्कत हो सकती है। सभी का यह फैसला होने के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस की गाड़ी जल्दी ही मौके पर पहुंच चुकी थी। दो पुलिस ऑफिसर्स उस घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने अंदर जाकर देखा कि आखिर यहां क्या भसड़ मची हुई है। रॉन जाकर पुलिस वालों को समझाने लग गया कि बाऊजी आप देखिए यहां पानी बरस रहा है, पहली बात तो यही नहीं पता कि आखिर ये पानी आ कहां से रहा है और दूसरी बात ये पानी बरस कर उल्टा वापस दीवारों के सहारे ऊपर भी चढ़ रहा है जो कि ग्रेविटी के नियमों के खिलाफ है। और साथ ही यहां जैसे ये दोनों पुलिस वाले इस घर के अंदर दाखिल हुए तो इनके दाखिल होते ही ये जो पानी अभी तक दीवारों के सहारे ऊपर चढ़ रहा था तभी इस पानी की कुछ बूंदे हवा में भी तैरने लगी इन पुलिस वालों के चारों तरफ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और जब इन पुलिस वालों ने देखा कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, वो ऊपर दीवार की तरफ देख रहे हैं, नीचे फर्श की तरफ देख रहे हैं और बीच में उनको डॉन डेकर बैठा हुआ दिखाई दिया। अब डॉन डेकर के बारे में लोग पूछने लगे कि आखिर ये कौन है। तब यहाँ इसके दोस्तों ने कहा, बॉब और जीनी ने कहा कि ये हमारा दोस्त है और आज इसके दादाजी का स्वर्गवास हो गया था और उसकी लाश को ही दफनाकर हम सीधा हमारे घर आ चुके थे और तभी से यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। और डॉन डेकर का जब उन्होंने पोस्चर देखा, उसकी पोजीशन देखी, तो वो पुलिस वाले भी हैरान कि आखिर ये क्या बीमारी है क्योंकि इसके नीचे तो कुर्सी ही नहीं है। उन्होंने पूछना शुरू कर दिया डॉन डेकर से, लेकिन यहाँ डॉन डेकर जस्ट आगे हाथ रख के बैठा हुआ था, उसने किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया। पुलिस वाले अभी यहाँ देख ही रहे थे तभी यहाँ उन्होंने नोटिस किया कि इस पानी के अंदर तो धुआं भी खुला हुआ है। जी हाँ, धीरे धीरे कर उनके पैरों के आसपास धुआं अपने आप रेंगता हुआ आगे आगे इधर उधर जाता जा रहा था, अपने आप बिखरता जा रहा था। पुलिस वाले सोचने लगे कि आखिर कहीं आग तो नहीं लग गई इस घर के अंदर जो धुआं इस तरह से आ रहा है। उन्होंने इस धुएं का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए क्योंकि वो उस धुएं का पीछा करते करते उस घर के बाथरूम में गए थे और जब उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो उस बाथरूम के अंदर पूरा धुआं 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 ही भरा हुआ था। और जब उन्होंने इसका सोर्स देखा कि आखिर धुआं आ कहां से रहा है तो वो बहुत ज्यादा हैरान क्योंकि ये धुआं कहीं और से नहीं बल्कि उनके शावर से ही आ रहा था, उस बाथरूम में लगे हुए शावर से आ रहा था। जहां से पानी आना चाहिए था वहां से धुआं आ रहा है और जहां से कुछ भी नहीं आना चाहिए था वहां से पानी आ रहा था। अब ये चीज देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो गए पुलिस वाले। उन्होंने शावर को बंद करने की कोशिश करी लेकिन वो पहले से ही बंद था। उस बंद शावर से ही धीरे 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 कर बहुत सारा धुआं निकले जा रहा था और वही धुआं बाहर निकल कर इस दरवाजे से नीचे से होकर पूरे घर के अंदर फैल चुका था। तब यहां पर उन दोनों पुलिस वालों ने कहा कि आप पूरा परिवार इस घर से बाहर निकल जाइए एक बार, मैं तब तक जाकर अपने चीफ को रिपोर्ट करता हूं कि आखिर यहां क्या भसड़ मची हुई है। पूरा परिवार यहां इस घर से बाहर निकल गया। डॉन डेकर को भी
बाहर निकाल लिया गया, उसको उठाकर बाहर निकाला गया। तब तक यहाँ डॉन डेकर अब बोलने भी लगा रहा सबसे कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ याद नहीं है। डॉन डेकर जैसे ही बाहर निकला और सभी लोग जैसे ही बाहर निकले इस घर से, तब यहाँ पर बॉब और जिनी ने सोचा कि क्यों ना हम डॉन डेकर को और साथ ही खुद को भी कुछ ना कुछ खिला पिला कर आए, पास में ही रेस्टोरेंट था। तो इन तीनों ने सोचा कि हाँ, ये घर वाले मालिक आया हुआ है, घर का मालिक अभी, तो ये देख लेगा कि आखिर यहाँ क्या दिक्कत है, तो हमें तो अपना घर प्रॉपर वापस सही से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम जाकर तब तक खाना कुछ खाकर आते हैं। तब यहाँ पर बॉब, चीनी और डॉन वहाँ से निकले और सीधा रेस्टोरेंट में चले गए। और जब ये सब बाहर लोग खड़े हुए थे, पुलिस वाले भी खड़े थे और साथ ही इस घर का मालिक भी खड़ा था, यहाँ पुलिस वालों ने कहा कि मैं अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाता हूँ और वही देखेंगे आखिर कि यहाँ क्या भसड़ मची हुई है। बॉब, चीनी और डॉन उस रेस्टोरेंट के ऊपर पहुँच चुके थे, वहाँ उनका प्लान था कि वो पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे। असल में ये रेस्टोरेंट एक पाम नाम की महिला का था और ये पाम कोई और नहीं बल्कि बॉब और चीनी की बहुत अच्छी दोस्ती ही हुआ करती थी। और जैसे ये बॉब, जिनी और डॉन इस रेस्टोरेंट के अंदर घुसे, तब यहाँ पाम ने देखा कि बॉब, जिनी के साथ एक और तीसरा बंदा है, डॉन, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पाम के लिए तो नया ही था। तो पाम ने देखना शुरू कर दिया कि आखिर ये कौन है। बॉब और जिनी तुरंत काउंटर के ऊपर आए और यहाँ पाम से हाई हेलो करके उसको ऑर्डर देने लगे। तब यहाँ पर पाम ने उस तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछा कि आखिर ये तीसरा बंदा कौन है। तब यहाँ इन दोनों ने बताया कि हमारा दोस्त डॉन डेकर है और असल में आज इसके दादाजी की डेथ हो गई थी, तो आज ये अपना दुख मनाने के लिए या फिर थोड़ी बहुत खुशी पाने के लिए, खुद को चुप करवाने के लिए आज ये रात हमारे साथ ही रुकेगा। लेकिन यहाँ पाम कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी, ये पाम बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक थी, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों में ध्यान रखा करती थी। डेली इसका चर्च जाना, वहां जाकर पूजा पाठ करना, तो इसको अंदाजा था कि आखिर ये डॉन डेकर क्या चीज है। उसने तुरंत देखते ही डॉन डेकर को इन दोनों को बता दिया कि ये डॉन डेकर कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इसके अंदर हो ना हो डेविल का वास है। अब ये चीज सुनते ही बॉब और जीनी बहुत ज़्यादा हैरान कि पाम तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, तुम पहली बार डॉन से मिली हो, तुमको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पाम उनको बोलने लग गई कि नहीं, मुझे मेरा तजुर्बा ये सब कुछ बोलने के लिए कह रहा है और मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर तुमको अगर नहीं मानना तो कोई बात नहीं, तुम अपना ऑर्डर बताओ। यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर दिया, तीनों जाकर अब टेबल के ऊपर बैठ चुके थे। तभी यहाँ जैसे ही डॉन डेकर उस टेबल के ऊपर जाकर बैठा, वही बिल्कुल सेम फिनोमिना जो कि ऑब्वियसली उस घर के अंदर हो रहा था, वही बारिश वाला, वो बिल्कुल सेम काम अब यहाँ इस पिज्जा वाले रेस्टोरेंट के अंदर होने लग गया। डॉन डेकर के टेबल के ऊपर बैठ ही ऊपर से पानी टपकने लगा और बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में यहां टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस छोटे से एरिया के अंदर ही बहुत भयंकर बारिश हो रही हो। यह होता देख तुरंत ही पाम ने अपना कैश रजिस्टर खोला, क्योंकि उसने उस रजिस्टर के अंदर वो जो जीसस क्राइस्ट वाला क्रॉस होता है, उस क्रॉस को रखा हुआ था उस रजिस्टर के अंदर। उसने तुरंत उस क्रॉस को उठाया और वहां भाग कर सीधा डॉन डेकर के पास गई और डॉन डेकर के गले के पास, उसकी शर्ट के ऊपर और गले के नीचे यहाँ चिपका दिया। और जैसे ही उसने ये चिपकाया क्रॉस, तभी यहाँ पर डॉन डेकर वाइब्रेट करने लगा। उसने आंखों को खोलकर सामने बैठे हुए बॉब और जीनी को भी देखा, वो बहुत ज्यादा गुस्से में यहाँ बॉब और जीनी को देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस उसके गले के ऊपर चिपका, वहां से उसकी स्किन ने जलना शुरू कर दिया, उसके अंदर से धुआं उठ रहा था। लेकिन यहाँ फिर भी पाम ने अपना क्रॉस नहीं हटाया। कुछ सेकंड्स तक ये काम करने के बाद डॉन अपने आप शांत हो गया, पाम ने अपना वो क्रॉस हटाया और जस्ट बॉब और जीनी को कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये बंदा डेविल का घर है। पाम ने तुरंत बॉब और जीनी को ये ऑर्डर दे दिया कि नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठकर खा सकते, तुमको अगर खाना है तो तुम पैक करवा कर जाओ, इसको बाहर खड़ा करो और यहाँ से लेकर जाओ। बेचारे ये दोनों बिना खाए ही डॉन डेकर को वहां से उठाकर वापस अपने घर की तरफ आने लगे। घर भी पहुंच गए, वहां जाकर उनको वापस रोन और उसकी पत्नी मिली जो कि इंतजार कर रही थी पुलिस वालों के फिर से आने का, क्योंकि वो पुलिस वाला कहकर गया था कि वो अपने बड़े ऑफिसर को ये सब कुछ बता रहा है और वो उनको यहाँ पर बुलाएगा। तब यहाँ रोन और उसकी पत्नी ने इन तीनों को टेबल के ऊपर बैठाया, उसी टेबल पर जिसके ऊपर पहले डॉन डेकर और बॉब और जीनी बैठे हुए थे। वहां बैठा ते ही वापिस वो बारिश वाला काम यहाँ शुरू हो चुका था और यहाँ रॉन की पत्नी ने साफ तौर पर बॉब, जीनी और डॉन को कह दिया कि जो तुम्हारा दोस्त है या फिर तुम में से ही कोई एक इसकी वजह है जिस वजह से इस घर के अंदर बारिश हो रही है। ऑब्वियसली जब तुम इस घर से बाहर गए थे तब यहाँ इस घर के अंदर बारिश रुक गई थी और जैसे तुम वापस आए हो इस घर के अंदर वापस बारिश आनी शुरू हो चुकी है। अब जैसे ये बात डॉन डेकर जो कि सामने ही बैठा हुआ था उसने सुनी, उसके अंदर का गुस्सा वापस जाग गया। उसने वापस अपने हाथ दोनों ऐसे रखे और जस्ट वो रॉन और उसकी पत्नी को देख रहा था। ये देखते देखते ही उसने खुद को अपने आप हवा में उड़ाया। लिटरली मैं यहाँ पर एक प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ इस टाइम पर डॉन खुद हवा में जरूर था। उसने खुद को अपने आप हवा में उड़ाया, वो जस्ट रॉन और उसकी पत्नी को देख रहा था। देखते देखते ही यहाँ रॉन खुद बहुत झटके के साथ
पीछे मौजूद दीवार में जाकर लगा। कुर्सी के साथ ही उसको बहुत भयंकर चोटें उस टाइम पर आई। उसके शरीर से भी यहाँ कई जगहों से खून निकलने लगा था क्योंकि झटके के साथ उसका सिर और कमर पीछे जाकर दीवार में लगे थे जहां से पानी बह बह कर ऊपर जा रहा था। कुछ सेकंड तक यहाँ डॉन डेकर खुद हवा में रहा और उसके हाथ अभी भी ऐसे ही थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रॉपर कंट्रोल कर रहा है रोन के बॉडी को। धीरे धीरे कर यहाँ डॉन डेकर वापिस अपनी कुर्सी वाली जगह के ऊपर आकर ही बिना कुर्सी के ही बैठ चुका था। उसकी कुर्सी वहां से गायब हो चुकी थी, पता नहीं कहां चली गई थी, शायद पीछे पड़ी हुई थी। खैर यहां वो वापस अपने हाथ रखकर ऐसे बैठ चुका था और तभी यहां दरवाजे की घंटी बजी। रोन की पत्नी तुरंत उठकर दरवाजा खोलने के लिए गई। वो पहले अपने पति को संभाल रही थी। बॉब जिनी बार बार चिल्ला रहे थे कि आखिर यहां ये क्या हो रहा है। दरवाजा खोलते ही सामने तीन पुलिस वाले खड़े हुए थे। एक यहां बड़ा ऑफिसर था और उसके पीछे दो वही पुलिस ऑफिसर जो पहले इस घर के अंदर आए थे। और ये दरवाजा खुलते ही पुलिस वालों के आगे रोन की पत्नी रोने लग गई कि आप जाकर देखिए अंदर यहां क्या भसड़ मची हुई है। और जैसे ही पुलिस वाले वापस इस घर के अंदर आए, पीछे चलने वाले दोनों पुलिस वालों ने आगे वाले अपने ऑफिसर को समझाना शुरू कर दिया कि जनाब ऐसे ऐसे यहां दिक्कत है, यहां बारिश हो रही है, वो भी उल्टी, पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है और यहां बहुत तेज तेज बरसता है। अब ये चीज देखते ही वो पुलिस वाला भी हैरान कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। अब जैसे ही उसने ये कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, डॉन डेकर का ध्यान उसकी तरफ गया। उसने जस्ट अपनी आंखों से डॉन डेकर को देखा। सामने मौजूद पुलिस वाले ने भी डॉन डेकर को देखा, दोनों की आंखें मिली, लेकिन यहां कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट वो जो पानी था जो बरस रहा था पहले उस टेबल के ऊपर, वो पानी सारा इकट्ठा होकर आगे आ गया और एक झटके में, यानी कि हम कह सकते हैं कि फव्वारे की तरह है, एक ही लाइन में उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर ही बरसने लगा जिसने कहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। साथ ही यहां पर उस पुलिस वाले ने अपने दोनों पुलिस ऑफिसर्स को ये कह दिया कि इस घर में कोई दिक्कत नहीं है। उसने मकान मालिक को भी अपने पास बुलाया और कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर कोई प्लम्बर का ही इशू है और उसी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम कल जाकर अपने घर के पाइप वगैरह चेक करवा लो। तुरंत ही रोन की पत्नी रोमेन ने वो ब्लू प्रिंट सीधा पुलिस वालों के हाथ में रख दिया और कहा कि जनाब देखो यहाँ कोई पाइप ही नहीं है, कैसे बोल सकते हो। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर फिर भी अड़ा रहा कि नहीं नहीं ऐसा कोई दिक्कत यहां नहीं लग रही मुझे, तुम कल अपना घर में परंबर बुला लेना और उसे सब कुछ ठीक करवा लेना। ये कहकर वो पुलिस ऑफिसर वहां मुड़ा और उसने अपने दोनों अलग से ऑफिसर जो आए हुए थे उसके साथ पहले उनको बोल दिया कि तुमको इस चीज का हवा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं तुम बाहर जाकर इसको गाने लग जाओ कि हमने तो ऐसी बारिश देखी, हमने तो ऐसी एक्टिविटी देखी, कहीं भी ये चीज डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों पुलिस वालों ने कहा ठीक है जनाब। साथ ही यहां जाने से पहले वो ऑफिसर इनको ये ऑर्डर देकर आ चुका था कि तुमको इस घर में रुकने की भी कोई जरूरत नहीं है, बाहर निकलो अपने काम धंधे पे लोगो। वो तीनों पुलिस ऑफिसर वहां से चले गए। डॉन डेकर भी यहां आराम से अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था और जस्ट इधर उधर लोगों को देखे जा रहा था। रात की अब सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही यहां वो पुलिस ऑफिसर्स तीन और ऑफिसर्स के साथ इस घर के अंदर आए, जबकि उनका वो बड़ा ऑफिसर उनको बोल कर गया था कि तुमको इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तुम इसकी जांच नहीं करोगे। लेकिन यहाँ फिर से वो दो ऑफिसर तीन और लोगों को लेकर अपने साथ आए और ये पांचों लोग जैसे ही अंदर घुसे उन्होंने देखा कि घर के अंदर तो बहुत तेज बारिश हो रही है और डॉन डेकर के अलावा चार और लोग घर के कोनों में आराम आराम से खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं इस बारिश के रुकने का। लेकिन यहाँ ना ही ये बारिश रुक रही थी, ना ही ये चारों पांचों लोग हिल रहे थे। जैसे ये पांच ऑफिसर इस घर के अंदर घुसे तो इन पांचों ने चारों लोगों को बुलाया डॉन डेकर को छोड़ के और कहा कि हमारे पास एक तरीका है चेक करने का कि आखिर ये बारिश कहाँ से हो रही है, लेकिन उस चीज़ के लिए हमें डॉन डेकर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हमको इतना तो अंदाज़ा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो शायद डॉन डेकर की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर ही अजीब अजीब सी शक्ति आई हुई है और इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमें डॉन डेकर को थोड़ा टेस्ट करना होगा। ये पांचों पुलिस ऑफिसर डॉन डेकर के पास गए, उसे बातें करने लगे। डॉन डेकर यहाँ बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रहा था उस बारिश के अंदर ही, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि हम तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक कपड़े का थैला ढकना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर क्या होता है। डॉन डेकर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है जनाब, आप जो करना चाहते हो कर लो। तुरंत एक कपड़े का थैला उसके सिर के ऊपर ढक दिया गया और उसके बाद उसका हाथ आगे की तरफ करने के लिए कहा गया। डॉन डेकर ने अपना हाथ आगे किया, तब यहाँ पांच में से एक पुलिस ऑफिसर ने अपने जेब में एक गोल्डन क्रॉस जो कि रखा हुआ था उसने वो बाहर निकाला और वो गोल्डन क्रॉस अपनी हथेली से लगाकर सीधा ही डॉन डेकर की हथेली के ऊपर कुछ इस तरीके से रख दिया। अब जैसे ही उसने वो रखा, यहां ना सिर्फ डॉन डेकर का हाथ प्रॉपर जलने लगा था, उसके अंदर से धुएं निकल रहे थे, लेकिन
यहाँ पर वो जो दूसरा हाथ जो कि पुलिस ऑफिसर का हाथ था उसके हाथ को कुछ नहीं हो रहा था, नीचे से धुएं निकल रहे हैं, आग के लपटे निकल रही हैं, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को कुछ फील ही नहीं हो रहा था। जबकि ये दर्द ऑब्वियसली डॉन डेकर महसूस कर सकता था। उसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, उसका शरीर अजीब अजीब सी पोजीशंस बनाने लग गया, कभी उसके दोनों पैर हवा में पीछे से उठ जाते लेकिन हाथ आगे की तरफ चिपका रहता, कभी उसका एक हाथ अपने आप फिरकी की तरह घूमने लग रहा था, उसका मुंह कभी इधर जाता कभी उधर जाता, समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि आखिर यहाँ डॉन डेकर अपने शरीर की किस तरह की पोजीशन बनाना चाह रहा है। तभी यहाँ डॉन डेकर हवा में एकदम से उछला, उसका हाथ अभी भी यहाँ दूसरे हाथ के ऊपर ही था, और उछलते ही वो बहुत तेजी से दीवार में जाकर लगा, हाथ से वो उसके छूट चुका था, और जैसे वो दीवार में जाकर लगा एकदम से उसका होश आने लगा, उसने अपने सिर से वो थैला हटाया और कहने लगा कि आखिर यहाँ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है और मैं यहाँ इस तरह से क्यों पड़ा हूँ। और जब उसने ये बात कही वो बारिश जो कि अभी तक चल रही थी वो भी रुक चुकी थी, लेकिन यहाँ सामने खड़े सभी लोगों ने और पुलिस वालों ने भी इस डॉन डेकर के गले के ऊपर 3 मार्क्स जो कि फ्रेश बिल्कुल अभी अभी लगे हुए थे उन तीनों को नोटिस किया, और वो समझ चुके थे कि ये मार्क्स किसी और के नहीं बल्कि डेविल के ही है। एक पुलिस ऑफिसर जो कि इसमें पूरे 65 सालों का था उसकी उम्र, उसने कहा मुझे प्रशासन में काम करते हुए 40 सालों से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, ये सब कुछ जो हो रहा है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, लेकिन यहाँ अभी तक मैं भी चुप था कि आखिर यहाँ रीजन क्या हो सकता है। 4 दिन जैसे जैसे यहाँ बॉब और जीनी और रॉय और उसकी पत्नी ने मिलकर इस घर के अंदर बिता दिए, अब यहाँ पर उसकी पैरोल खत्म हो चुकी थी और उसको वापस जेल के अंदर जाना था। डॉन डेकर को पुलिस वाले आए और उसको वापस पकड़ कर ले गए उसको जेल में बंद करने के लिए। लेकिन यहाँ जैसे पहले उसकी सेल हुआ करती थी, एक व्यक्ति उसके साथ उसकी सेल में रहा करता था, लेकिन अब यहाँ डॉन डेकर का मन कर रहा था कि वो अकेला ही अपनी सेल में रुकेगा और किसी को हक नहीं है उसकी सेल में रुकने का, जबकि ऐसी कोई बात उसके माइंड में पहले कभी नहीं आई थी। उसने सोचा कि अगर मैं इस सेल के अंदर ही बारिश करवा दूं तो ऑब्वियसली यहाँ ये जो बंदा है अपने आप ही भागने लगेगा डर के मारे। और जैसे ही उसने ये चीज सोची उस सेल के अंदर ही यहाँ बारिश होने लगी, पुलिस वाले यहाँ बाहर खड़े हुए थे, वो जो इनमेट जो कि सेल मेट था अंदर था इस डॉन डेकर के साथ, वो बहुत ज़्यादा डर गया, वो देखने लगा कि आखिर यहाँ क्या मसड़ है, कहाँ से पानी टपक रहा है इतनी तेज सेज। लेकिन यहाँ सब कुछ कंट्रोल कर रहा था डॉन डेकर। उस दूसरे कैदी ने बाहर पुलिस वालों को आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि जनाब जनाब तुरंत खोलो यार, ये पता नहीं क्या दिक्कत अंदर चल रही है, अंदर पानी बरस रहा है, आप प्लीज़ आकर देखो। अब ये चीज़ जैसे ही पुलिस वालों ने देखी तो सीधा वो डॉन डेकर को पूछने लगे कि क्या तुम्हें बारिश फील नहीं हो रही। यहाँ डॉन डेकर ने पलट कर जब उन पुलिस वालों की तरफ देखा तो यहाँ उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। पुलिस वाले सामने खड़े हैं और उसकी सफ़ेद आंखों को देखकर वो भी बहुत ज़्यादा डर गए। और यहाँ डॉन डेकर ने कहा मैं इस बारिश को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये चीज़ सुनने में तो बहुत ज़्यादा फनी लग रही थी उन पुलिस वालों के लिए, लेकिन जैसा उनका रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्होंने कहा अच्छा अगर तू कंट्रोल कर सकता है तो चला जा वार्डन ऑफिस के अंदर एक बार ये बारिश करवा के दिखा। मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। डॉन डेकर तुरंत खड़ा हुआ एक पुलिस ऑफिसर के साथ जेल वार्डन के ऑफिस में गया। जेल वार्डन अपनी चेयर के ऊपर बैठकर आराम से काम कर रहा था, पेपर वर्क वगैरह कर रहा था, और तभी जैसे ही डॉन डेकर उसके ऑफिस के अंदर घुसा तभी यहाँ जेल वार्डन की कमर के ऊपर पानी बरसने लगा। और जैसे ही जेल वार्डन ने ऊपर की तरफ देखा उसके पूरे कमरे के अंदर बहुत घना धुआं ऊपर छत के ऊपर फैला हुआ था, और साथ ही यहां उस धुएं के अंदर से पानी बरसे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक नया इकोसिस्टम, एक नया वातावरण इस कमरे के अंदर बसा हुआ हो। और जब उसने सामने देखा डॉन डेकर एक पुलिस ऑफिसर के साथ खड़ा हुआ था। यहां पुलिस ऑफिसर ने कहा जेल वार्डन को कि जनाब ये ऐसे बोल रहा है कि मैं इस बारिश को कंट्रोल करता हूं। तभी यहां जेल वार्डन ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जेल वार्डन ने डॉन डेकर को धमकाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि तुम ये जो अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हो इसको तुरंत यहीं रोक दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जैसे ही ये चीज डॉन डेकर को सुनी उसकी आंखें जो कि अभी तक नॉर्मल थी वो एकदम से लाल हुई और उसने सामने खड़े जेल वार्डन को देखा, और जेल वार्डन तुरंत बहुत तेजी से अपनी कुर्सी के समेत पीछे दीवार में जाकर लगा धड़ाम से, और उसकी हाँ कमर की कई हड्डियां भी मौके पर ही टूट चुकी थी। ये चीज़ होता देख जो साइड में खड़ा पुलिस वाला था उसने डॉन डेकर को शांत करवाने की कोशिश करी। उसने कहा नहीं नहीं इस चीज़ को यहीं रोक दो। वो पुलिस वाला यहाँ डॉन डेकर को पकड़ कर उस ऑफिस से बाहर लेकर आया, उसकी सेल के अंदर लेकर आया, और जैसे यहाँ डॉन डेकर उसकी सेल में घुसा वहाँ फिर से बारिश होने लगी। लेकिन अब की बार पुलिस वाले ने अपने ऑफिस में रखी एक बाइबल को मंगवाया और बाइबल को आते ही वो पढ़ने लग गया, और सामने खड़े हुए डॉन डेकर के कानों में जैसे ही बाइबल के वर्ड्स गए उसने कांपना शुरू कर दिया। बहुत गंदी तरह वो कांप रहा था, वापस अपने शरीर से अलग अलग
हाउसेज वो बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो वर्ड सुनता जा रहा था वैसे वैसे ही उसकी शक्तियां खत्म होती जा रही थी और वो धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में आया जा रहा था। टॉन डेकर ने उस पुलिस वाले का उस दिन शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आपकी वजह से ही आज ये नॉर्मल जिंदगी जी पा रहा हूँ, अगर तुम उस टाइम पर मेरा एक्सॉर्सिज्म नहीं करते तो यहाँ दिक्कत मुझे आज तक चलती रहती। टॉन डेकर ने अपनी जो सजा थी वो पूरी करी और कहा कि हाँ आज तक तो वो वापस बारिश कभी नहीं आई है उस दिन के बाद से, और मैं चाहता हूँ तो भी अब नहीं करवा सकता और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा कुछ वापस करे मेरे साथ। लेकिन यहाँ टॉन डेकर से जब इस चीज़ का कारण पूछा गया कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो सकता है, तो यहाँ टॉन डेकर ने किसी और को नहीं बल्कि अपने दादाजी को ही यहाँ जिम्मेवार ठहराया, अपने ग्रैंडफादर को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि वो व्यक्ति ना सिर्फ मुझे जिंदा रहते हुए परेशान कर रहा था बल्कि वो प्योर डेविल था, वो मुझे मरने के बाद भी नहीं छोड़ने वाला था, और हो ना हो ये सब कुछ होने के पीछे उसके ग्रैंडफादर ही जिम्मेवार हैं। मैंने आपको स्टोरी क्यों बताई, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस स्टोरी में जो लोग शामिल थे वो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल थे। पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, वो कभी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते जब तक उनके सामने को ना हो जाए। मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी बताई थी जिसके अंदर भूतों की वजह से पुलिस वालों ने एक केस को अदालत में पेश किया और उस भूत ने ही खुद अपने केस को सुलझाया था। जी हाँ, और आज ये कहानी है, आप खुद देखिए, इसके अंदर क्रेडिबल पीपल शामिल थे, बहुत ज़्यादा क्रेडिबल लोग थे वो। पुलिस वाले कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, रेस्टोरेंट ओनर्स कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, घर के मालिक वो कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, उनको क्या मतलब होगा अगर वो कुछ गलत बताएंगे तो। उन्होंने जो देखा वो बताया। टॉन डेकर आज भी अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल जी रहे हैं, आज उन्हें रेन मैन ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। खैर, ये थी कहानी टॉन डेकर की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछने हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर DM कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ अगर मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपके हाथ से वो फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट इन पोंगन को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।